नाज़रीन मोहतरमा इकराम, आज मैं आपके लिए एक ऐसा सेंट लेके आया हूँ जो के बंदे को एक बहुत बड़े ऑपरेशन से बचा लेता है। वो सेंट इतना कामयाब है कि आप इस्तेमाल करवाएंगे तो देखेंगे रिजल्ट उसका, तो उस वक़्त आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने ये बात कितनी बड़ी सच कही थी कि ये सेंट जो है बंदे को ऑपरेशन से बचा लेता है। नाज़रीन व हुक्मा इकराम, आज जो सेट है वो नाक के गदूदों पर है, जो कि एक बहुत ही बड़ा मसला लोगों को रहता है, और गदूदों की वजह से सांस की तंगी, रात को सोते वक्त सांस की तंगी का होना, इन तमाम मसाइल से और गदूदों से जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन तमाम मसाइल का जो है ना एक सेट मैं आज आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। इंशाल्लाह ताला ये सेट आप इस्तेमाल करवाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको नाक के गदूद की ऑपरेशन करवाने के मरीज को जरूरत नहीं पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मतलब हर्बल केयर में खुश आमदीद। मैं हूं प्रोफेसर हकीम डॉक्टर मदीन अहमद समदानी। नाज़रीन व हुक्मा इकराम, आज मैं आपके लिए नाक के गदूद का बढ़ जाना, नाक की वजह से एलर्जी का होना, नाक की हड्डी का बढ़ जाना, इन तमाम मसाइल का जो हल वो एक सेट में पेश करूँगा इंशाल्लाह ताला। वो सेट इस्तेमाल करवाने के बाद आप के मरीज को किसी किस्म की ऑपरेशन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। नाज़रीन व हुक्मा इकराम, जैसा कि आप जानते हैं कि ये उजलाती मर्ज़ होती है नाक की, तो हम इसका इलाज जो है वो गुदी उजलाती या गुदी असाबी दवा या गजा से करेंगे। नाक में नज़ला का जम जाना, नाक के तमाम मसाइल, नाक के अंदर जो है ना नज़ले का इतना जम जाना कि निकलना ना, नाक बंद हो जाना, नाक के गदूद पर जाना, नाक की किसी भी बीमारी में आप ये मेरा सेट जो है चार नुस्खों पर मुहित है, ये इस्तेमाल करवाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आप मुझे अपनी दवाओं में ज़रूर याद रखेंगे। नाक की एलर्जी और उसकी वजह से जो नाक के गदूदों की वजह से तमाम जो मसाइल पैदा होते हैं उनके लिए ये कामयाब और बेहतरीन सेट है, आप इस्तेमाल करें इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। चार नुस्खों पर ये मुहित ये सेट है और मैं जानता हूँ कि हुक्मा हजरात व नाज़रीन आपके पास जो टाइम की बड़ी ही किल्लत है, फुकदान है आपके पास टाइम का, तो बगैर किसी टाइम को ज़ाया किए हम बढ़ते हैं सबसे पहले नुस्खे की तरफ। नाज़रीन व हुक्मा इकराम, जो ये नुस्खा है ये तेल पर मुहित है, इसका नुस्खा मैं पहले भी दे चुका हूँ लेकिन आप कहाँ पर वीडियो में ढूंढते रहेंगे तो मैं फिर दोबारा बता देता हूँ। ये रोगने अहमर के नाम से हमारे दवा करने पर मशहूर है, तो इसको बनाने का जो है ना अज्जा वो समाज फरमा लें, वो मैं ऐसा बोलूँगा क्योंकि कुछ भाइयों ने कहा है कि आप बहुत तेज़ बोलते हैं तो समझ नहीं आती, तो अज्जा दवाइयों के मैं ऐसा ही बोलूँगा और वो आप लिख लीजिएगा या सुन लीजिएगा। रोगने अहमर की तैयारी में आपने जो जैतून का तेल है, जो जैतून का तेल है वो आपने लेना है 100 ग्राम, और जो डंडा हल्दी है वो आपने लेनी है 20 ग्राम। नाज़रीन व हुक्मा इकराम, अब इसको बनाने का तरीका भी समाप्त फरमा लें। आपने जो जैतून का तेल है उसमें डंडा हल्दी जो है वो रख देनी है, 24 घंटे के बाद आपने उसको चूल्हे पे चढ़ाना है और धीमी आंच हो, बिल्कुल धीमी आंच, बिल्कुल बस उसको नॉर्मल सा सेका जो है ना वो लगता रहे, आपने पकाना है। जब हल्दी थोड़ी सी आपको भिगिया नजर आए तो आपने फौरी तौर पर उतार लेना है। जर्द रंग का खुश रंग वो आए जो है ना बरामद होगा, जब उसे आप छान लेंगे तो जो जर्द रंग का तेल है वो निकलेगा। उसके आपने 2 से 3 कतरे नाक के अंदर जो है ना लगाने हैं दिन में 3 दफ़ा, और अच्छी तरह से नाक के में उंगली डाल के उसके जो है ना मसाज कर लेना है। पहला नुस्खा तो ये हुआ, तो बगैर किसी टाइम को ज़ाया किए बढ़ते हैं हम आज के सेट के दूसरे नुस्खे की तरफ। नाज़रीन मोहतरमा इकराम, दूसरे नुस्खे के अज़ा वो भी आप समाप्त फरमा लें। आपने कलवंजी लेनी है 50 ग्राम, तो हम हालिया लेना है 50 ग्राम,
राई जो है वो आपने लेनी है 50 ग्राम, तुखम मेथी जो है वो लेनी है आपने 50 ग्राम, अजवाइन देसी जो है वो लेनी है आपने 50 ग्राम। तो नाज़रीन मोहतरमा इकराम, इन तमाम अदवियात को आपने अच्छी तरह साफ कर लेना है और इसको ग्राइंडर में डालकर अच्छी तरह इसकी पिसवाई करा लेनी है और मैदे वाली अंगी जो होती है उससे छान कर आपने बारीक सफूफ जो है ना वो डब्बी में संभाल रखना है। 1 टीस्पून सुबह, 1 टीस्पून दोपहर और 1 टीस्पून शाम, खाना खाने से कबल आधा घंटा खाना खाने से पहले आपने ये देनी है टीस्पून जो होती है छोटी चाय वाली चम्मच 3 टाइम के लिए। नाज़रीन व हुक्माए किराम, अब इस सेट का तीसरा नुस्खा भी आप समाप्त फरमा लें। आपने जो सुंड है वो लेनी है 30 ग्राम, फिलफिल स्याह जो है वो आपने लेनी है 10 ग्राम, नुशादर जो है वो आपने लेना है 20 ग्राम, सकमोनिया जो है वो आपने लेना है 6 ग्राम, किश्त शीरी जिसे किश्त बहरीन भी कहते हैं, उसका जो आटा होता है लकड़ी नहीं आटा, वो आपने लेना है 20 ग्राम, और बर्ग सना मक्की जो है तिनकों और फूलों से साफ, वो आपने लेने हैं 90 ग्राम। इन तमाम अज्जा को आपने साफ और मुसफा कर लेना है और ग्राइंडर कर लेना है और मैदे वाली छाननी से आपने इसको नहायत बारीक जो करके वो छान लेना है और इसके 500 mg के कैप्सूल आपने भर लेने हैं। और इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि आपने 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल शाम, 1 कैप्सूल दोपहर, खाना खाने के 30 मिनट बाद पानी के साथ आपने ये कैप्सूल इस्तेमाल करवाना है। तो नाज़रीन, बिना किसी वक्त को ज़ाया किए बढ़ते हैं हम इस नुस्खा के चौथे और आखिरी नुस्खे की तरफ। बहुत ही सिंपल और बहुत ही सादा सा नुस्खा है। कंडियारी जर्द जो होती है, जर्द रंग की, वो आपने इकट्ठी कर लेनी है और उसको आपने नहायत बारीक पिसवा लेना है, मांदे उबार कर लेना है और मैदे वाली जो छाननी होती है उससे आपने छान लेना है और डब्बी में महफूज कर लेना है। इसकी आपने जो हाफ चम्मच है टीस्पून वो आपने देनी है, जो नुस्खा नंबर 3 का कैप्सूल है खाना खाने के बाद, उसके साथ हाफ से पूरी टीस्पून तक आप दे सकते हैं 3 टाइम। नाज़रीन मोहतरमा इकराम, अब इस पूरे सेट को लगाने या सुनने का खिलाने का तरीका जो है वो समाप्त फरमा लें। जो रोगन अहमर हमने बनाया था वो आपने जो 2 से 3 कतरे जो है नाक में डालकर अच्छी तरह जो है ना उंगली से मसाज कर देना है। और जो नुस्खा नंबर 2 बनाया था उसकी आपने 1 टीस्पून सुबह, 1 टीस्पून दोपहर और 1 टीस्पून शाम, खाना खाने से पहले आधा घंटा पानी के साथ आपने देनी है। और तीसरा नुस्खा जो आपने बनाया था सकमोनिया वाला कैप्सूल 500 mg वाला, आपने खाना खाने के 30 मिनट बाद देना है, 1 सुबह, 1 दोपहर और 1 शाम। और उसी कैप्सूल के साथ नुस्खा नंबर जो 4 है उसकी आधी टीस्पून से 1 टीस्पून तक आपने खुराक देनी है, वो उस जो है ना नुस्खा नंबर 3 जो है उसके 500 mg कैप्सूल के साथ आधी चम्मच से लेकर पूरी चम्मच टीस्पून, ये कंडियारी का जो बनाया था वो आपने देना है खाना खाने के आधा घंटा बाद। नाज़रीन मोहतरमा इकराम, इंशाल्लाह जो ही आप इस्तेमाल करेंगे तो नाक के बड़े हुए गदूर जो हैं वो आपको कम होते हुए जन दिनों में नजर आएंगे इंशाल्लाह। उससे जो भी अलामत जाहिर हो रही हैं वो तो पहले दिन से ही बंद हो जाएंगी, लेकिन गदूर जो है वो कुछ टाइम लेते हैं। 1 मंथ आप जरूर दवाई खिलाएं मरीज को, इंशाल्लाह ताला उसकी अगर हड्डी भी बड़ी हुई है तो वो भी उसकी पीछे हट जाएगी और गदूर भी खत्म हो जाएंगे। नाज़रीन मोहतरमा इकराम, अगर आपको ये मेरा नुस्खा अच्छा लगा हो तो इसको आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और मेरे वालदैन के लिए इसाले सवाब की दुआ वो ज़रूर बर ज़रूर करें, ज़रूर करें, ज़रूर करें। हाज़र होते हैं एक अच्छे नए
सेट या नुस्खे के साथ तब तक बंदा नाचीज तालब इलम को इजाज़त दें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह।